जनरली हम लोग जो मछली बिरयानी बनाते हैं उसमें चावल और मछली टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, मैं हूँ तपस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस म्यूजिक के बाद में। सबसे पहले मछली को मैरिनेट कर लेंगे। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी देके मैरिनेट करके उसका कम से कम 15 से 20 मिनट रख लेंगे। इसमें मछली का थिकनेस मोटा रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे कतला मछली यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो रोहू का भी यूज कर सकते हैं। उसको 15 मिनट रेस्ट देके हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि मैंने अभी बैचलर वाला कढ़ाई लिया। नीचे वाला व्हाइट रहता है और ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक रहता है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे ऑयल पूरा हीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का अनियन फ्राई कर लेता हूँ और उसको बीच बीच में स्टर करते रहना है ताकि अनियन हर तरफ समान ढंग से पकेगा। अब हम उसको 80% तक पकाएंगे, जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है। यहाँ पे उसका कलर आ चुका है, मतलब ये 80% पक गया है। तभी उसको निकल के साइड में रख लेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम उसी तेल में उड़ता हुआ मछली को डायरेक्ट डुबाएंगे, जब तक डूब के एक साइड गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसको फिर से पलटा देंगे। यहाँ पे मछली को थोड़ा डीप फ्राई करना। अभी इसका कलर देखिए कितना अच्छा लगता है। नेक्स्ट सेम प्रोसेस में मैंने और भी मछली को उड़ाया और डीप फ्राई होने तक पलट के फ्राई किया। फ्राई होने के बाद में उसको निकल के साइड में रख लेंगे। अब हम उसी तेल में बिरयानी का ग्रेवी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे जीरा, 2 इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा लिया। अब हम तेल में 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, उसको 3-4 मिनट भूनने के बाद में 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद में नमक ज़रूर डालिए, स्वाद का अनुसार यहाँ पे नमक डाल दिया मैंने। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं करने वाला हूँ। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे। इधर आप लोग सोच रहा होगा ऑयल ज़्यादा हुआ हो गया, बट ये ऑयल पूरा एंड तक यूज करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऑयल यूज नहीं होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के और 2-3 मिनट मसाले को भुनेंगे। इसमें यहाँ पे 4 ग्रीन चिली डाल देंगे, आप चाहे तो ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो करके उसमें 1/2 कप दही डालेंगे। उसका हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि दही ना फट जाए। अब हम उसमें थोड़ा सा शुगर डालेंगे, क्योंकि जो टमाटो और दही था उसको टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालेंगे। अब हम यहाँ पे फ्राई किया हुआ मछली को मसाला में डालेंगे। इसको हल्का हाथ से स्टर करते रहना है, इस तरीके से स्टर करते रहना ताकि मछली टूटेगा ही नहीं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने का, जो ग्रेवी वो थिक ज़्यादा रहना चाहिए, ज़्यादा मोटा रहना चाहिए। ये अभी हमारा रेडी हो गया है, उसको अब साइड में रखेंगे, चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को। राइस के लिए यहाँ पे मैंने पानी में नमक डाला, 1 स्टार 4-5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्ची। और राइस मैंने यहाँ पे 1 घंटा हो गया भिगा के रखा था, उसको अब हम 80% तक पकाएंगे।
अब हम दम देने के लिए गैस के ऊपर मैंने एक लोहे का तवा लिया। यहाँ पे अब हम लेयर देंगे। तभी मैंने फर्स्ट लेयर पे राइस डालता हूँ, उसके बाद में मछली का एक लेयर देंगे, उसके बाद में राइस, इस तरीके से डबल लेयर बनाएंगे। फाइनली अब यहाँ पे फ्राइड किया हुआ ऑनियन, उसके साथ में धनिया का पत्ता, और यहाँ पे हम लोग घी और ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, उसी से ही हो जाएगा। अब हम उसको ढक के 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में और 10 मिनट लो फ्लेम में हीट करेंगे। यहाँ पे हमारा मछली का बिरयानी रेडी हो चुका है, चलिए उसको सर्व करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये राइस का जो दाना है एकदम खुला खुला है, उसी तरीके से हमारा मछली भी नहीं टूटा है। सो फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।